मेरा नाम विशाल है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? एक्चुअली मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक स्टॉक ट्रेडर भी हूँ। ओके ओके, और आज आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ आपके सेंट्रल कोलकाता से, वेलिंगटन से। वेलिंगटन से, और ये पहली बार आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, पिछले साल मैं आया था, मैं इस इवेंट का हिस्सा मैं रहा था। इस बार फिर से कैसा, मतलब आपको व्हाट मोटिवेट्स यू ये इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? सबसे पहला बात है कि काफी अच्छा लगता है कि यूथ, यंगस्टर, ओल्डर एज के आदमी लोग आते हैं, इसे साइकिल वाले स्ट्रीट्स में दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफी यूनिक चीज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, ये हम लोग कलकत्ता में भी ऐसा होता है, काफी अच्छा लगता है मेरे बात है। और सबसे पहला बात की साइकिल्स में काफी इको फ्रेंडली भी है आजकल, जैसे पॉल्यूशन काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि हाँ, आप लोग भी साइकिल यूज करिए, आप लोग पॉल्यूशन की तरह हेल्प करिए, लोगों को भी अच्छे सांस, अच्छे ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो लोग काफी हेल्दी रहेंगे, जितने भी सिम्पटम्स को कम हो सकते हैं। ओके, और आपको ये जो साइकिल बैन अभी है कोलकाता के रोड पे, इसके बारे में क्या? मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट फिलहाल अभी है, जल्द से जल्द ये लिफ्ट बैन उठा दे, क्योंकि साइकिल हमारे लिए तो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, औरों के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, क्योंकि इनसे बहुत लोगों के आने जाने का भी रहता है, इनके ऊपर काफी डिपेंडेंट काम भी रहता है, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो ये बैन हट जाए, क्योंकि ये आदमी लोग के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काफी फ्रेंडली है। और ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक, नो मोर पॉल्यूशन, नो मोर पॉल्यूशन, नो मोर पॉल्यूशन। Yeah.